तो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है फाइनली। और एक तरफ एक ट्रकर्स ऑफ यूरोप, आज हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं और बीएमजी ड्राइव का। दोनों ही गेम बहुत ज़्यादा फेमस है, एक बीएमजी ड्राइव भी और ये ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 भी। ग्राफिक वाइज कौन सा अच्छा लगता है आप सब बताओ। जहाँ तक कि मेरा ओपिनियन है, मुझे तो लग रहा है क्या कि बीएमजी ड्राइव का ग्राफिक थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकते हो कि बीएमजी ड्राइव में बहुत ही मस्त क्लीन लुक है और रियलिस्टिक फील होता है, रियलिस्टिक जैसा, मतलब असली जैसा। तो काफ़ी हद तक असली जैसा लगता है खेलने में ये गेम। अगर वो फिर उसमें बहुत सारे लेवल्स है और इसमें भी बहुत सारे, इसमें लेवल्स वाले अभी आया नहीं। इसमें क्या है ना कि इसमें ट्रकर्स ऑफ यूरोप में जिस तरह के जॉब देते हैं करने के लिए, इसमें नहीं आता। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको सीन सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर कुछ मैप आते हैं। मैप इसमें डाउनलोड भी कर सकते हो, बट बहुत सारा मैप आपको मिलेंगे बना बनाया हुआ, जो कि डेवलपर बना के देते हैं। और गेम की तरफ से भी जो डिफ़ॉल्ट मिलते हैं वो भी बीएमजी ड्राइव में मिलेंगे। और उसमें क्या है ना कि डेवलपर खुद अलग अलग बहुत, जैसे कि आप अगर आप भी बना सकते हैं मैप, आप भी क्रिएट करके इसमें दे सकते हो, इस प्रकार का है। तो कोई भी इसमें बना करके मैप खुद का डाल सकता है बीएमजी ड्राइव में। बट ट्रकर्स ऑफ यूरोप में तो ऑफिशियल जो मैप दिए रहते हैं वही रहते हैं। और इसमें अभी लेवल वाला आया नहीं मिशन, जैसे होता है ना कैरियर में कि लेवल एक हो गया मिशन कंप्लीट हमारा, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी। तो इस तरह का अभी कमिंग सोन में है, या बीटा बोल सकते हो कि बीटा मनी टेस्टिंग मोड में टेस्ट कर रहा है कि ठीक है कि नहीं, स्टेबल फास्ट तो नहीं रहा लेवल। तो ये सब चेक करने के बाद वो मोड खुल जाएगा कुछ दिनों में, फिर हम लोग खेलेंगे वो कैरियर मोड इसमें भी मेरे टाइम में। और ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 जो है काफ़ी अच्छा है। ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 भी काफ़ी अच्छा गेम है, उसमें शैडो वगैरह भी अच्छा है, बट इसके इतना अच्छा नहीं है बीएमजी ड्राइव, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा पसंद है और इसके ऊपर क्या क्या रखा है, पता नहीं फील वगैरह क्या रखा है इस गाड़ी के ऊपर बीएमजी ड्राइव में। और उस ट्रक में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 में, उसमें पता नहीं क्या रखा है ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 में। लग रहा है कुछ कंटेनर में हो सकते हैं ढोने वाले सामान, कुछ और भी रह सकता है। इसका ब्रूम ब्रूम साउंड तो ज़्यादा ही करता है। और क्या रिंग हो रहा है मेरा फोन, क्या कोई बात नहीं, मैं थोड़ा देर फोन उठाऊँगा बाद में। तो देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा, यहाँ तक तो आगे काफ़ी स्पीड करके देखता हूँ थोड़ा सा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कौन सा अच्छा लगा, ठीक है। मिलते हैं अच्छी वीडियो में, बाय।